सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10 ईयर बेबी के लिए डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक लिया है, वो है 3 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉक का बॉटम पार्ट कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पर 2 लेयर लिए हैं, जिसकी लंबाई हमने ली है 30 इंचिस और चौड़ाई हम लेंगे 45 इंचिस। इस तरह के 2 लेयर हमारे पास है। अब हम बॉटम पार्ट के ऊपर रफल आएगा, इसको कट करेंगे, जिसकी लंबाई हमने ली है 24 इंचिस और चौड़ाई हमने लिया है 45 इंचिस। इस फैब्रिक को हमें इस तरह 2 फोल्ड करना है। इस तरह हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। अब इसे और एक बार सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई है 14 इंचिस और चौड़ाई हमने लिया है 23 इंचिस। अब इस फैब्रिक के नीचे की कॉर्नर से हमें ऊपर की तरफ 5 इंच पे मार्क करना है। इस तरफ के कॉर्नर से भी हमें ऊपर की तरफ 5 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से लेके उस तरफ हमें इस तरह का राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने कट कर लिया है नीचे का राउंड शेप देते हुए। ऊपर की तरफ फोल्डिंग है, इसे भी हम कट कर लेंगे और इस तरफ फोल्डिंग है, इसे भी हम कट कर लेंगे। और इस तरह हमने यह 4 पीस कट कर लिए हैं, 2, 3 एंड 4। इस तरह के 4 पीस हमने बना लिए हैं। अब हम टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 12 इंचिस। शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 6 इंचिस और यहाँ से नीचे आर्म होल की लेंथ लेंगे 6 इंचिस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट की चौड़ाई। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 8.5 इंचिस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचिस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 8 इंचिस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों टॉप पार्ट के नेक कट करेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंचिस और नेक की लंबाई हम लेंगे 5 इंचिस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इसी तरह बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई 2.5 इंचिस लेंगे और नेक की लेंथ हमें लेनी है 3 इंचिस। मार्क करेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे कट करेंगे। इस तरह दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। अब इसी नाप की लाइनिंग हम कट करेंगे। लाइनिंग फैब्रिक को हमने इस तरह सिंगल बिछाया है, इसके ऊपर टॉप पार्ट को रखेंगे। फ्रंट और बैक का टॉप पार्ट इस तरह सेटिंग रख के कट कर लेंगे।
टॉप के दोनों पार्ट हमने राइट साइड रखा है। इसके ऊपर हमें लाइनिंग फैब्रिक को रखना है, दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाना है और दोनों तरफ के आर्म होल और नेक पे हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह बैक पार्ट के ऊपर भी लाइनिंग फैब्रिक को रख के सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ पे दोनों पार्ट को मिलाते हुए इस तरह सिलाई लगा दी है। अब हमें नेक पे और आर्म होल पे हल्की हल्की नोचिस लगानी है। दोनों पार्ट में इस तरह हल्के हल्के नोचिस लगा देंगे। अब दोनों पार्ट को हमें राइट साइड टर्न कर लेना है। दोनों पार्ट को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब नीचे से ओपन है, इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे फ्रंट का पार्ट लिया है। फ्रंट पार्ट के कमर के सेंटर में हमें मार्क करना है। अब शोल्डर से नीचे फोर इंच पे मार्क करेंगे। अब मार्क से नीचे हमें 1 इंच का गैप रख के मार्क करना है, इस तरह दो बार। इसी तरफ भी हमें 4 इंच पे मार्क करना है और मार्क से नीचे हमें 1 इंच का मार्जिन रख के इस तरह दो बार मार्क कर लेना है। अब नीचे कमर में भी सेंटर मार्क से दोनों तरफ 1 इंच का गैप रख के मार्क कर लेना है। अब आर्म होल से लेके नीचे तक का मार्क को मिलाते हुए हमें ड्रॉ कर लेना है, इस तरह का शेप देते हुए। दोनों तरफ हमें इसी तरह मार्क कर लेंगे। इस तरह हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके ऊपर हमें लेस अटैच करनी है। इस तरह की लेस हमने ली है, इसे हमें इस लाइन पे अटैच कर लेना है सभी लाइन पे। फ्रंट पार्ट के टॉप पार्ट के साथ हमने लेस अटैच कर ली है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट को इस तरह मिला के हमें शोल्डर अटैच कर लेना है। शोल्डर को हमने अटैच कर लिया है। अब बॉटम पार्ट हम रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट के ये दो लेयर है हमारे पास। इस दोनों लेयर के ऊपर की बॉर्डर पे बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब एक तरफ से हमें यहाँ से एक धागे को अलग करके इस तरह खींचना है और इस तरह की गैदरिंग हमें दोनों पार्ट के साथ बनानी है। बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट के साथ हमने गैदरिंग बना ली है। अब इसके ऊपर हमें रफल बनाना है। रफल के लिए हमने 4 पीस इस तरह के काटे हैं। इस 4 पीस को हमें फ्रंट और बैक पार्ट में अटैच करना है। सभी पार्ट के नीचे के बॉर्डर पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इस तरह की वाइट स्ट्रिप हमने क्रॉस में काटी है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। इसे रॉन्ग साइड से अटैच करना है। इसके बाद राइट साइड टर्न करके स्ट्रिप बनानी है। इसी तरह सभी पार्ट में हमें स्ट्रिप बना लेनी है। तो इस तरह हमने स्ट्रिप अटैच कर ली है सभी पार्ट के साथ। अब ऊपर के बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने सभी पीस के ऊपर बड़े नंबर वाली सिलाई लगा दी है। अब इस तरह एक धागे को खींच के हमें
सभी पीस को इस तरह की गैदरिंग बनानी है। तो इस तरह हमने सभी पीस को गैदरिंग बना ली है। अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट के साथ इसे अटैच करना है। दोनों पार्ट को हमने राइट साइड रखा है। इसके ऊपर हमें इस दो पीस को अटैच कर लेंगे। फ्रंट में दो पीस और बैक में दो पीस, इस तरह हमें इसे अटैच कर लेना है। इसी तरह हमने बॉटम पार्ट रेडी कर लिया है। अब इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप बॉटम को अटैच कर लेना है। टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब बैक पार्ट में हमें बेल्ट अटैच करना है। बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के दो स्ट्रिप ली है, जिसकी चौड़ाई है 5 इंचिस और लंबाई हमने लिया है 27 इंचिस। इस स्ट्रिप को इस तरह टू फोल्ड करना है। इसके बाद हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है। वन साइड हम ऊपर रखेंगे राइट साइड टर्न करने के लिए। दोनों स्ट्रिप में हमें इसी तरह सिलाई लगानी है और इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट में इस स्ट्रिप को बेल्ट को अटैच कर लेंगे। दोनों बेल्ट को हमें इस तरह अटैच कर लेना है। बेल्ट अटैच हो जाने के बाद फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग कर लेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाया है और दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। और बॉटम पार्ट के इस बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस फ्रॉक को हमने फिटिंग कर लिया है और इस बॉर्डर को भी रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो ये फ्रॉक का फ्रंट पार्ट है और इस तरफ फ्रॉक का बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट ने हमने यहाँ पे इस तरह पेज से डेकोरेट किया हुआ है। तो फाइनली डिज़ाइनर फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है 10 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।